को घटना घटित हुई है जिसमें दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। हम लोग कारणों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीसीटीवी के फुटेज निकाल रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन दोषी है। कई सारे फुटेज अभी तक हमारे पास आ भी गए हैं, उनके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू भी कर दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तत्काल ही पुलिस ने मौके पे जाके उसको नियंत्रित किया और पूरे शहर में जो है वो शांति है, कहीं पर भी उस घटना का असर नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी से अपील भी करूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। इस घटना में जो जो भी लोग दोषी होंगे और जिनकी वजह से घटना हुई होगी, हम लोग सभी पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से इस दिशा में काम कर रहा है। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से ये अपील करूंगा कि कृपया इस प्रकार के, जैसा मैंने बताया कि अभी शांति है, विवाद जो हुआ था उसके क्या कारण थे, कौन कौन उसमें दोषी है, सभी का चिन्हांकन हो रहा है, सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं। कृपया इस प्रकार के मैसेज फैला के और भी ज़्यादा इस मुद्दे को हवा न दें, जिससे कि शहर में अशांति का माहौल हो। आप सभी लोगों से मेरी ऐसी अपील रहेगी, सोशल मीडिया पे इस प्रकार की चीज़ें ना पोस्ट करें जो उत्तेजना फैलाने वाली हो। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। एक पक्ष के लोग मिलने आए थे और उनको हमारे द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति दोषी निकलेंगे, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और प्राप्त प्रमाणों के आधार पर हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद जो भी उनका ज्ञापन और धरना था वो खत्म हो गया।